अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चटनी जो हम किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, टमाटर की, बहुत अच्छी मज़ेदार। इसके लिए मैंने 4 लहसुन लिए हैं और 2 लाल मिर्चियाँ और 2 टमाटर लिए हैं और 1 नींबू का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये भुना हुआ चना है जिसके छिलके उतरे हुए, इसे कहते हैं भुना हुआ चना। उसके छिलके निकले हुए ही मिलते हैं, वो मैंने ले लिया है 1 टीस्पून के करीब। और अब मैं लहसुन को और मिर्चियाँ और टमाटर को एक बाउल में डाल के उसमें पानी डाल दूँगी। इतना पानी बस इसमें काफ़ी है। अब हम इसे गैस पर रख देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे जिससे कि टमाटरों की जो स्किन है वो निकल जाएगी और जो मिर्चियाँ हैं वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। एकदम अच्छा इसका स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें कच्चापन भी नहीं रहेगा। अब जैसे ही ये उबल जाते हैं हम इसे उतार लेंगे नीचे और इसे ठंडा करके इसकी जिल्द निकाल लेंगे। और उससे पहले वो ठंडा हो, जब तक हम ये जो हमारे चने हैं भुने हुए इसे हम मिक्सर में पाउडर बना लेंगे। देखिए इस तरह से, अगर हम एक साथ डालेंगे तो ये फिर पीस नहीं पाएंगे, इसलिए हमने इसे पहले ही पीस लिया है ताकि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। और अब हम ये टमाटरों को ठंडे पानी में डाल दिया है और ये देख सकते हैं आप इसकी स्किन जो है कितनी आसानी से, ये देखिए इस तरह से निकल जाएगी। बस हमें इसकी स्किन निकाल लेनी है सब तरफ से अच्छी तरह से। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से इसकी स्किन निकल कर आ रही है। टमाटर हमारे पक भी गए हैं अंदर तक और अभी भी ये थोड़ा गर्म ही था, मैंने इसकी जिल्दें उतार दी। अब हम मिक्सी में टमाटरों को और मिर्ची और लहसुन को एक साथ डाल देंगे और इसमें 1/2 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे और इसको हम पेस्ट बनाकर निकाल लेंगे। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाली चटनी है ये और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और इसमें जो पाउडर हमने चने का बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी एक बार मिक्सी में चला लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिल जाए। और ये देखिए मैंने इसका तड़का बना लिया है। 1 टीस्पून तेल गरम किया, उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया और कड़ी पत्ते डाले हैं 3 से 4 और इसे हम ऊपर से इस तरह से ऐड कर देंगे। और ये देखिए इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी और ये बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें नींबू ऐड कर देंगे खट्टे के लिए, और आप चाहें तो इमलियों का पल्प भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें नींबूओं का रस ऐड किया है, 3 से 4 बूंद के करीब मैंने इसमें ऐड किया है। और ये देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और